बीजेपी के खिलाफ अब सोनिया गांधी के साथ भी हाथ मिला सकती हैं। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बसपा कांग्रेस के साथ जोड़ सकती है, ये कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मायावती के बोल कुछ ऐसे ही सामने आ रहे हैं। तो जरा जानिए कैसे पता चला। हाल ही में सोनिया गांधी कोरोना से पीड़ित थी और कोरोना से वो जब पीड़ित हुई, जब वो कोरोना के संक्रमण में आई, तो मायावती जी ने पहले तो सोनिया गांधी जी के लिए उनके स्वास्थ्य को लेकर शुभकामनाएं भेजी। कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिनके कोरोना से पीड़ित हो जाने की खबर से उनके अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कुदरत से कामना कर रही हूँ। तो यहाँ पर मायावती ने एक तरफ से कांग्रेस पार्टी को लेकर तारीफ सोनिया गांधी की करते हुए अपनी तरफ से इशारा कर दिया, जिसके बाद आप जानते ही हैं कि बीजेपी के खिलाफ उनके ये बोल साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम आप सबको ये भी बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि मायावती ने इतना ही नहीं किया, बीजेपी के खिलाफ उनके बोल और भी गहराते नज़र आए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के बैंक मैनेजर के निधन मामले पर भी मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है, सीधा न्याय की मांग की है। तो ऐसे में मायावती की आवाज़ फिर से केंद्र सरकार पर उठी है। तो केंद्र सरकार को यानी कि मोदी जी अमित शाह पर सीधा हमला बोलती हुई मायावती ने सोनिया गांधी को बड़ी खुशखबरी दी है कि केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वो कांग्रेस के साथ खड़ी रहेंगी। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार को लेकर उन्होंने कहा आगे, जम्मू कश्मीर में आए दिन निर्दोष लोगों की जान जाती है, अभी हाल ही में वहाँ राजस्थान के निवासी और बैंक मैनेजर की गुजर जाने की खबर चिंतनीय है, वहाँ दहशत का वातावरण व्याप्त है, केंद्र सरकार ऐसे दूषित तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करे, बीएसपी की यही मांग है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।